19 फरवरी 2021 को टीकमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पैदल यात्रा रैली निकाली गई है। उनका इसमें कहना है कि जो सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं उसको वापस लिया जाए। अगर जब तक यह काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो इसी तरह से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों के समर्थन में हम पदयात्रा कर रहे हैं और आज इतने दिन हो गए इसके बावजूद भी किसानों की सुनी नहीं जा रही है, बल्कि उन किसानों को जो कि हमारे अन्नदाता है उनको आंदोलनजीवी और आतंकवादी कहा जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है।